दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर एक बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल वन की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे में अब तक एक शख्स की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ और हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। ये टीम हादसे की जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री आज खुद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुआयना करने पहुंचे और उसके बाद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की जो इस हादसे का शिकार हुए थे। T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ है, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त में मैं घटनास्थल पर हूं और घटनास्थल पर दिखा सकता हूं कि ये डिपार्चर है। डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है वो है और ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये पुराना, बहुत काफी पुराना हिस्सा था और यहाँ पर जिस तरह से पानी, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बरसात की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वो हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है और गिरने की वजह से नीचे कुछ जो टैक्सी वाली जो गाड़ियाँ थी उस पर असर देखने को मिला है और लोहे का जो बोल्डर्स है, काफ़ी बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं बकायदा, वो नीचे गिरे जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ जो हैं वो दब गई और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही 8 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। शंकर आनंद, News 18, IGI रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। राममोहन नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, हादसे वाली बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने नहीं किया था। जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था, तो ये इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। SP सांसद डिंपल यादव ने एयरपोर्ट हादसे की जांच की मांग की, साथ ही कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। फॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। आप लोग नीट के सवाल को आज संसद में उठाएंगे, नीट को लेकर सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। दिल्ली NCR में लिफ्ट गिरने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से लिफ्ट में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों को चोट लग गई। बताया जा रहा है कि लिफ्ट 10 मंजिल से 7वीं मंजिल तक तो ठीक से आई, फिर 7वें फ्लोर से अचानक गिरकर दूसरे और तीसरी मंजिल के बीच आकर रुक गई। इस हादसे के चलते करीब 10 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे, बाद में सभी 5 फीट से कूदकर बाहर निकले। CCTV में लिफ्ट के अंदर की तस्वीर से लिफ्ट के बाहर कूदने की घटना रिकॉर्ड हो गई।